हिंदी भाषा के लिए ढेर सारी चीजें कंट्रोवर्सी खड़ी होने का प्रयास किया गया, मगर वो समय अब समाप्त हो गया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृति से गौरव के साथ अपनी भाषाओं को दुनिया भर के अंदर और देश भर के अंदर प्रस्तावित करने का काम किया। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जिनको वैश्विक मंच पर इतना सम्मान मिला होगा जितना श्री नरेंद्र मोदी को मिला, शायद ही कोई प्रधानमंत्री। हर जगह पे नरेंद्र भाई ने दुनिया में भारत की बात अपनी राजभाषा में रखकर राजभाषा को, जो देश अपनी भाषा खो देता है वो कालक्रम में अपनी सभ्यता को भी खोल देता है, अपनी संस्कृति को भी खो देता है और अपने मौलिक चिंतन को भी खो देता है। और जो देश अपने मौलिक चिंतन को खो देते हैं वो दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, योगदान नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी भाषाओं को हम संभाल। मैं कई सारे लोगों को मिलता हूं, मैं देशों के नाम बोलना नहीं चाहता, मैं जब उनको पूछता हूं कि आपकी पहले भाषा कौन सी थी और वो भाषा का हाल क्या है आपके, तो शर्म के मारे सर झुका देते हैं। मैं चाहता हूं कि 100 साल के बाद कोई भारतीय का सर शर्म के मारे झुके, हमारी भाषा निरंजीव बन जाए, हमारी भाषा आगे बढ़े। और भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है समाज जीवन को आगे बढ़ाने का, संस्कृति के धारा प्रवाह को आगे बढ़ाने का, और संस्कृति के धारा प्रवाह से निपजे हुए ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने का एक भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान। और इसीलिए हमारे यहां भाषा में अक्षर शब्द का प्रयोग करता है। अक्षर शब्द देखने में सीधा साधा है और इसको जरा एक बार तोड़ कर देखिए, अक्षर जिसका क्षरण कभी नहीं होता है उसको अक्षर, और इसलिए हम उसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। हमारे यहां भाषाओं का इतना सम्मान हमारी संस्कृति के अंदर किया गया है। महर्षि पाणिनि, महर्षि पातंजलि और महर्षि भर्तृहरि ने भाषाओं के लिए अनेक प्रकार की विधाओं को हमारे देश के अंदर जन्म दिया। आज वो विधाएं लुप्त नहीं हुए, आज भी कुछ लोग संभालकर उसको आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि एक बार देश की जनता ये आजादी के अमृत काल में मन बना ले और हमारे देश का व्यवहार, हमारे देश की बोलचाल, हमारे देश का पत्र व्यवहार, हमारे देश का शासन स्वभाषा में चलना शुरू हो जाए, अपने आप महर्षि पतंजलि और पाणिनि हमें जो देकर गया है वो तुरंत पुनर्जीवित। और मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से देश भर के अभिभावकों को भी अपील कर रहा है, उनको अनुरोध कर रहा है कि आप आपके बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात करें। बच्चे चाहे किसी भी माध्यम में पढ़ते हो, घर के अंदर अपनी भाषा में उनसे बात करिए, उनका आत्मविश्वास जगाइए, अपनी भाषा बोलने के लिए जो झिझक है उसके मन से एक बार निकाल दीजिए। इससे भाषा का तो भला होगा मगर उससे ज्यादा भला आपके बच्चे का, आपकी संतानों का, क्योंकि मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही आ सकता है। दूसरी भाषा रटी रटाए ज्ञान को तो दे सकती है, ज्ञान को अर्जित करना है और ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो यात्रा है वो मौलिक चिंतन से ही हो सकता है और मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही आता। अगर आपने आपके बच्चे के मौलिक चिंतन को एक बार समाप्त कर दिया तो आपका बच्चा देने वाला नहीं बनेगा, देने वाला बनेगा। और हर माँ बाप ने यह लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान दुनिया को देने वाले बने, दुनिया से। और इसलिए ये भाषा, हमारी स्वभाषा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मित्रों, दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, मगर मैं मानता हूं कि भाषाओं के बारे में हमारे देश को ईश्वर की कृपा है, मां सरस्वती की कृपा है, सबसे ज्यादा
बोली जाने वाली और लिपिबद्ध भाषाएं अगर किसी एक देश में है तो वो भारत में। हजारों साल का हमारा इतिहास, हजारों साल की हमारे संस्कृति का धारा प्रवाह इसके अंदर समाहित, उसको आगे बढ़ाना। भाषा जितनी सशक्त होगी, समृद्ध होगी, उतनी ही संस्कृति सभ्यता विस्तृत होगी और सशक्त होगी और उतनी ही चिरंजीव होगी। अगर हम हमारी संस्कृति को संभाल कर रखना चाहते हैं, इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारी भाषाओं को हमें मजबूत करना पड़ेगा। अपनी भाषा से जुड़ाव, अपनी भाषा से लगाव और अपनी भाषा के उपयोग से मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, कभी भी शर्म मत रखिए, ये गौरव का विषय है। और मैं फिर से एक बार कहना, मैं हिंदी में भाषण कर रहा हूं, हो सकता है कोई शब्द मेरे गुजराती में आ जाएंगे, मगर हिंदी में मैं बात करता हूं, गुजराती में शब्द आ जाएंगे, मगर देश भर से अलग अलग प्रदेशों से आए सारे लोग उसको समझ जाएंगे, उसका मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी हर भाषा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मित्रों, फिर से एक बार कहना, मैं हिंदी में भाषण कर रहा हूं, हो सकता है कोई शब्द मेरे गुजराती में आ जाएंगे, मगर हिंदी में मैं बात करता हूं, गुजराती में शब्द आ जाएंगे, मगर देश भर से अलग अलग प्रदेशों से आए सारे लोग उसको समझ जाएंगे, उसका मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी हर भाषा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मित्रों, आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा बल होना चाहिए कि ये जो लघुता ग्रंथि अंग्रेजी शासन काल के अंदर हुई है वो बदलनी पड़ेगी, उसको युवाओं के मन से निकालना पड़ेगा, और घबराहट की जगह गौरव की अनुभूति हो, इस प्रकार के वातावरण की निर्मिति होनी। किसी भी मंच पर आप अपनी भाषा के अंदर आपके मौलिक विचारों को रखिए। एक जमाना था जब घबराहट होती थी, मैं बताता हूं एक जमाना अब शुरू हो चुका है जब गौरव की अनुभूति होगी। घबराहट से गौरव को बदलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी के शासन काल की। स्वभाषा ही अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करती है, स्वभाषा ही चिंतन को गति देती है, और स्वभाषा ही नए परिमाणों को और नए परिमाणों की दिशा में सोचने के लिए हमें उद्वेलित करती है। स्वभाषा व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आत्मसम्मान अगर हमें खड़ा करना है तो हमें राजभाषा और स्वभाषा दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো, আপনার হাতের মুঠোয় রাজ্য দেশ দুনিয়া। ডাউনলোড করুন জি ২৪ ঘন্টা অ্যাপ, এক ক্লিকেই পান সব আপডেট।